इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। आहा कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। कहाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गरेबान खोला और कुर्ता उतारा, कहा अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पांव बांध दे, और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है, तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए, क्या आखरत को आग लग गई है, क्या जन्नत जन्नत को आग लग गई है, क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है, क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है, क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है, क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। आहा कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। कहाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गरेबान खोला और कुर्ता उतारा, कहा अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा।